सितंबर 2012 को मैंने ग्राम केरा बहारा के ललतू राम की समस्या को लेकर वीडियो बनाया था। ललतू राम की समस्या थी कि उनको पिछले 2008 और 9 में रोजगार गारंटी के अंतर्गत काम किया था जिसका पेमेंट नहीं मिला था, और ललतू राम के साथ साथ और अन्य 19 लोग ऐसे थे जिनका पेमेंट नहीं हुआ था। आइए जानते हैं ललतू राम से मेरे वीडियो बनाने के बाद क्या कुछ बदलाव आया, क्या उनका रोजगार गारंटी का पेमेंट हुआ मिला या नहीं। अच्छा, मैं जो तुम्हार मन के वीडियो बना रहे हूँ एक साल पहली, ओकर से कुछ बदलाव है इसका, तुम्हार मन के पैसा मिली इसका? पैसा मिल गए, सब करी तो प्रसाद सब हो गए। अब मैं फर्स्ट नंबर रीना धरे तो रीना हवाई है देवाई से मोर बहनी हो है, ये दे मोर साफ ही अरे मोर जिंदाबाद। अच्छा, तुम्हारा 4-5 साल से नहीं मिले रही से पैसा है, ओका बाद मिली तो फिर खुशी हो इस की नहीं हुई तुम्हारा? हुई तो खुशी, मोर ब्याज समेत हम लेबो कह रहे तो कहाँ वकील लेके धरा दी तो काय मतलब परिस हमार 4 साल में गला। 4 साल में घर कम से कम एक ब्याज मिलना चाहिए रही से हमारा, ब्याज तक नहीं मिली, जतकी रही तत्किल धरा दी। रीना भाई लेगी हमारा लोकपाल का, हम तो देखबे नहीं कर रहे हैं रायपुर ला, वो सर ऑफिस मान घर नहीं देख रहे हैं, हम रीना भाई के पीछे में हम देख पा रहे हैं लोकपाल के ऑफिस ला, वहाँ से आए फिर ऑफिस में फिर जाए वहाँ से कागज आई था लोकपाल के जरिए से हमारा पैसा मिली। और लोकपाल जाँच में नहीं आते थे, साल भर में 1 साल के बाद पैसा मिली से हमन लोकपाल आई वहाँ धड़की धुमी दी। और एक दिन फिर जांच में आई जोबा पंचायत जाई, जोबा से रोड ला देखी वहाँ से फिर आई तब फिर यहाँ साहब ला धमकी धुमकी दी तब पैसा मिली से। कितना हजार रुपये मिली? हमारे यहाँ 17,300 के पावती है, पेमेंट करते हैं आज तक ले, अब ऑफिस में जाना नहीं है हमारे। मैं रीना रामटेके, ग्राम केरा बहारा, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।